दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे टेबल, बूटस्ट्रैप में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कोड और ये आउटपुट। चलिए तो पहले हमें एक टेबल क्रिएट कर लेना है HTML से, ठीक है। तो टेबल हेडिंग ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो उसके अंदर TR और TD, ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हेडिंग। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फॉर हेडिंग ले लेता हूँ, और हेडिंग के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेबल बॉडी, ठीक है। अब देखिए टेबल बॉडी, तो उसके अंदर TR और उसके अंदर एक TD, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लग लेता हूँ सिर्फ टेबल। अब इसको करता हूँ मैं कॉपी, और अब देखिए इसको मैं कॉपी करके पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब देखिए मेरे पास एक सिंपल टेबल आ चुका है HTML से, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के अभी क्लास है वो यहाँ पे मैं लगाता हूँ। तो ये जो टेबल है हमारा, जो पेरेंट टैग है वहाँ पे आपको क्लास लगाना है टेबल। टेबल लगाते ही टेबल आपके सामने डिज़ाइन हो जाएगा अपने आप, ये बॉर्डर बॉर्डर सब अपने आप ही आ जाएगी। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं आती है तो आप ये क्लास लगा सकते हो टेबल बॉर्डर, ठीक है। ये देखिए ये टेबल बॉर्डर, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब मुझे क्या करना है, टेबल बॉर्डर के बाद इसको बॉर्डर लेस कर दूं, अगर मैं टेबल बॉर्डर लेस, तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर नहीं रहेगी, कुछ नहीं, सिर्फ टेबल दिखेगा, तो ये तो अच्छा नहीं लगता है। तो टेबल बॉर्डर को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, सिर्फ टेबल को रखता हूँ ताकि आपको प्रॉपर व्यू में दिख सके। चलिए तो अब मैं यहाँ पे टेबल के जो आपको कलर है वो बता देता हूँ। टेबल डेंजर से, टेबल डेंजर, ठीक है, जो भी कलर थे, डेंजर, सक्सेस, वार्निंग, प्राइमरी, इन्फो, सेकेंडरी, लाइट, डार्क, ठीक है। तो ये सब इसके कलर थे, तो इसको मैं एक के बाद एक आपको दिखाऊंगा। सॉरी रिस्पॉन्सिव नहीं, टेबल प्राइमरी, ये देखिए, ठीक है। उसी तरह मैं दो तीन एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन कलर तो आप सबको पता है कौन कौन से मैंने बोल दिए हैं। अब देखिए डार्क, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, टेबल को मैं लगा देता हूँ सिर्फ कलर, मान लीजिए डेंजर, सेव करके रिफ्रेश, ये देखिए। अब टेबल को मैं कुछ और क्लास लगाना चाहता हूँ, टेबल स्ट्रिप्ड। टेबल के जो क्लास थे टेबल स्ट्रिप्ड, अब देखिए ये ज़िब्रा जो होते हैं उसके कलर के ये देख सकते हैं आप। ये देखिए डार्क, थोड़ा सा लाइट, ये डार्क और थोड़ा सा फिर लाइट, ये है टेबल स्ट्रिप्ड, ठीक है गाइस। और उसके बाद आता है टेबल होवर, क्या आता है टेबल होवर, ये देखिए, अब देखिए, ठीक है, ये देख सकते आप होवर कर सकते हो टेबल पे, ठीक है गाइस। ओके, तो अब मुझे क्या करना है कि टेबल स्ट्रिप्ड है उसे मैं अभी निकाल देता हूँ, ठीक है। टेबल स्ट्रिप निकाल दिया है मैंने, अब टेबल हमारे पास सिंपल आ चुका है। अगर मान लीजिए आपके पास ये कंटेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है, तो आप टेबल एक्टिव का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं दूसरी रो में, दूसरे TD में चला जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं क्लास लगा देता हूँ टेबल एक्टिव, ये देखिए, तो आप इसको हाईलाइट करवा सकते हो एक्टिव देके, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये हाईलाइट में, चलो ये है, अगर आपको यहाँ पे लगाते हो आप बिजी डार्क, ये देख सकते हो यहाँ, सॉरी बिजी डार्क नहीं, टेबल डार्क, ये देखिए। आप इस टेबल के कलर को कस्टमाइज भी कर सकते हो इसी तरह, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं क्या करता हूँ, टेबल को रिस्पॉन्सिव हम करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा टेबल है उसको हमें एक DAV से कवर करना पड़ेगा, DAV मैंने ले लिया है, और DAV को मैं डायरेक्टली नीचे जाके यहाँ पे टेबल के बाद लगा देता हूँ। तो हमारा ये पूरा का पूरा टेबल है DAV से कवर हो गया, तो वो जो DAV था उसमें मुझे लगा देना है टेबल रिस्पॉन्सिव, ठीक है, सेव कर लेता हूँ। अगर टेबल आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो यहाँ पर आप टेबल
टेबल SM लगाएंगे तो टेबल जो नॉर्मल है उससे थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा, और यहाँ पे LG लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है टेबल, ये देखिए अब जो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है टेबल रिस्पॉन्सिव से, तो हमारा जो टेबल है वो आप रिस्पॉन्सिव हो रहा है देख सकते हैं आप, ये देखिए। ठीक है, अब एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी है यहाँ पे अलाइन मिडल, लेकिन अलाइन मिडल कैसे वर्क करती है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये चलिए यहाँ पे मैं एक टेबल में कुछ कंटेंट लगा लेता हूँ, थोड़ा सा लोरियम इप्सम का, और यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारे पास ये कंटेंट आ चुका है। तो देखो दोस्त, ये जो कंटेंट है ये पूरा का पूरा यहाँ पे तीन लाइन में है, तो यहाँ पे जो ये टेबल है, टेबल 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 लिखा है, वो मिडल नहीं आ रहा है, वो अभी टॉप पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, टेबल में जो हमारा टेबल मेन टैग था उस पर मैं लगा देता हूँ अलाइन मिडल। तो आप देख सकते हो, अगर अलाइन मिडल लगाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अगर अलाइन में बॉटम लगाता हूँ तो ये बॉटम में चला जाएगा, ठीक है, तो मिडल ही सही रहेगा। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, तो अब अभी इसको आप देख सकते हो, अगर ये टेबल थोड़ा सा भी हम रिस्पॉन्सिव करते हैं तब भी हमारा कंटेनर है वो सेंटर में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था टेबल हमारे पास। टेबल को आप कलर भी कर सकते हो, कस्टम CSS भी आप ले सकते हो टेबल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।